हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी का ट्यूटोरियल। स्टडी का ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2016 7 फेब 2017 शिफ्ट 3 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस। इस वीडियो का हमारा टारगेट है एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ और जो स्टूडेंट्स जो कि एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक स्टडी का ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इससे जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली लेगा, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, क्योंकि जब आप बेल आइकन क्लिक कर लेंगे तो उससे जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल से और लैपटॉप में आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तब हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करें। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ मेल कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2016 7 फेब 2017 शिफ्ट 3 में पूछे गए जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची इज इन। देखिए, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जो कि सांची में लोकेटेड है, इसका नाम है द ग्रेट स्तूपा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का, और ये सांची टाउन मध्य प्रदेश में ये स्तूपा लोकेटेड है। तो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, क्योंकि लोकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो स्तूपा है ये ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो कि मौर्यन पीरियड में बनाया गया था। तो आपको याद रखना है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ दीज बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज नॉट वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड। तो इनमें से कौन सी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है जिनको अभी तक नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। देखिए, आपको बता दें ऑप्शंस में से रवीना टंडन जो है उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था उनके बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी कल्पना लाजमी दमन में, जो तो इन्होंने 2001 में इनकी फिल्म रिलीज हुई थी तो इसके लिए उनको अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का। जो विद्या बालन है, इन्होंने सिल्क का रोल प्ले किया था जो डर्टी पिक्चर है उसमें, तो इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। स्मिता पटेल जो हैं उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स उनके लाइफ में जीते हैं, उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है और साथ साथ में पद्मश्री भी अवार्ड जीता है। लेकिन जो माधुरी दीक्षित है अभी तक उनको नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं मिला है, तो आपको याद रखना है इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है माधुरी दीक्षित, जिनको अभी तक नेशनल अवार्ड नहीं मिला है। नेक्स्ट हम आते हैं, विच ड्रग इज यूज एज इन एंटी हिस्टामाइन। तो देखिए, कौन सा ड्रग है इनमें से जो कि एंटा हिस्टामाइन के तौर पे यूज किया जाता है। पहले आपको बता दें कि एंटा हिस्टामाइन्स होते क्या हैं। ये एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं एंटी हिस्टामाइन्स, और इसमें जो प्रोमेथेजाइन जो है वो यूज़ किया जाता है, ये ड्रग है जो कि यूज़ किया जाता है एज एन एंटी हिस्टामाइन। तो आपको याद रखना है प्रोमेथाजाइन जो है वो ड्रग है जो कि यूज़ किया जाता है एज एन एंटी हिस्टामाइन, और एंटी हिस्टामाइन्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शंस इन मास सेल रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में रिपीट हो इस तरीके का क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन अच्छे से। नेक्स्ट हम आते हैं, कैरोटीन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गिव इट्स विच कलर। तो देखिए, कैरोटीन जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं उसकी वजह से फ्रूट और वेजिटेबल में कौन सा कलर आ जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये अगले एग्जाम में आपको जरूर रिपीट हो। तो देखिए, कैरोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑरेंज कलर के लिए, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल में ऑरेंज कलर होता है उसके लिए कैरोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप देखिए, कोई भी फ्रूट देखिए या वेजिटेबल देखिए लाइक कैरेट या फिर कोई और फ्रूट देखिए, उसमें आपको कैरेटीन अगर है तो उसकी वजह से ऑरेंज कलर फ्रूट और वेजिटेबल्स में आ जाता है। तो कैरेटीन इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल गिव इट्स ऑरेंज कलर, तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं, एक्विस कैबुलस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। देखिए, एक्विस कैबुलस जो है वो किस स्पीशीज का साइंटिफिक नेम है। हम बार बार आपको हर वीडियो में कह रहे हैं कि साइंटिफिक नेम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है फिर से ये रिपीट हो। तो देखिए, एक्विस कैबुलस जो है वो साइंटिफिक नेम होता है हॉर्स का। देखिए, एक्विस जो है वो जेनस है मैमल्स के एक्विडी फैमिली के, जिसमें हॉर्सेज एसेज और जेब्रास इंक्लूड होते हैं, और कैबुलस जो है वो मॉडर्न हॉर्स है। तो आपको याद रखना है एक्विस कैबुलस जो है वो साइंटिफिक नेम है हॉर्स का। इससे पहले हम डोंकी का साइंटिफिक नेम, जेब्रा का, कोबरा का और बैनियन ट्री का साइंटिफिक नेम कवर कर चुके हैं, तो आपको सारे साइंटिफिक नेम अब याद रखने हैं। तो प्लीज याद रखिए, एक्विस कैबुलस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्स। नेक्स्ट हम आते हैं, एनल्जेसिक्स क्या है। तो देखिए, एनल्जेसिक्स जो हैं वो पेन रिलीफ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये एक तरीके के पेन किलर होते हैं जो कि ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं जब पेन होता है तो उसको रिलीफ करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं एनल्जेसिक्स। तो आपको याद रखना है, एनल्जेसिक ड्रग्स एक्ट इन वेरियस वेज, तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करते हैं, तो एनल्जेसिक्स जो हैं आर यूज टू रिलीफ पेन, ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम आते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कैल्शियम। तो देखिए, एटॉमिक नंबर
आपका किस एलिमेंट का जो है कैल्शियम से ज्यादा है। आपको बता दें कि जो कैल्शियम है वो केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है Ca और इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, और जो स्कैंडियम है वो केमिकल एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जिसका सिंबल है Sc और इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। तो देखिए स्कैंडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर है कैल्शियम से, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है स्कैंडियम। और एक और बात आपको बता दें कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ये बात आपको याद रखनी है। हम बार बार हम अपनी वीडियोज में इसलिए रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए एटॉमिक नंबर है 21, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 21 इन स्कैंडियम, तो ये इसका जो एटॉमिक नंबर है जो कैल्शियम ज्यादा है वो है स्कैंडियम, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम आते हैं गरबा इज अ फोक डांस ऑफ, देखिए गरबा जो है वो कौन सी स्टेट का फोक डांस है, ये इंडिया का ट्रेडिशनल डांस है और ये गुजरात स्टेट का डांस है जो कि गुजरात के स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था। इसका जो नेम है वो संस्कृत टर्म से डिराइव हुआ है जिसका जो कि टर्म था गरबा जिसका मतलब होता है वार्म एंड डीप जो कि अर्थ स्मॉल अर्थनवेयर लैम्प है। तो देखिए आपको याद रखना है कि गरबा जो है वो फोक डांस है गुजरात का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने घूमर कवर किया था जो कि राजस्थान का फोक डांस है। आपको ये सारे डांसेस याद रखने हैं, फोक डांस जो है, क्लासिकल डांस जो है, आपको सब कुछ याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो गरबा जो है वो फोक डांस है गुजरात का। नेक्स्ट हम आते हैं इन अ पीरियड When an economy is facing price rise and along with that there is slowing down of economic activities, this is case of, देखिए जब आप economics पढ़ेंगे तो आप इस term को ज़रूर पढ़ेंगे, जो एक term होता है stagflation। ये stagflation जो होता है ये combination होता है stagnation और inflation का, तो inflation और stagnation जो है इसका combination है stagflation। और जब भी हमारी जो economy है वो stagflation से suffer होती है तो उस time पर economic growth नहीं होता है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है और हाई प्राइजेस होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जब भी हमारी इकोनॉमी में हाई प्राइस जो है प्राइस राइज फेस करती है हमारी इकोनॉमी और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कम हो जाए तो वो जो सिचुएशन होती है उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है महंगाई, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो स्टैगफ्लेशन है वो कॉम्बिनेशन है स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन का, और उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी जो है स्टैगफ्लेशन के टाइम पर हमारी इकोनॉमी में हाई प्राइज हो जाता है और नो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैगफ्लेशन। ये इकोनॉमिक्स का टर्म है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है इकोनॉमिक्स का, तो आपको ध्यान में रखना है। इन अ पीरियड व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग प्राइस राइज एंड अलोंग विद दैट देयर इज स्लोइंग ग्रोथ डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दिस इज केस ऑफ स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ द इकोसिस्टम। तो देखिए ह्यूमन बींग्स जो है वो इकोसिस्टम की एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और ये बिलोंग करते हैं ओमनीवोरस। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो ओमनीवोरस हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं बट साथ साथ में ओमनीवोरस भी हैं जो कि फ्लैश भी खाते हैं। ह्यूमंस आर एट द टॉप ऑफ एनी फूड चेन बिकॉज वी ईट अदर एनिमल्स, तो हम दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं लाइक ह्यूमंस जो होते हैं वो आप देखते हैं कि चिकन भी खाते हैं, तो ह्यूमंस जो हैं वो ओमनीवोरस हैं। तो आपको याद रखना है कि ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू ओमनीवोरस कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाइएस्ट GDP, तो कौन सा इंडियन स्टेट है जिसकी हाइएस्ट GDP है। देखिए इंडिया का एक स्टेट है, एक सिटी है इंडिया की जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वो सिटी है मुंबई जो कि महाराष्ट्र स्टेट में लोकेटेड है और महाराष्ट्र की कैपिटल है। तो इंडिया का जो हाइएस्ट स्टेट GDP है जिस स्टेट का वो स्टेट है महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है एट प्रेजेंट जो साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो हो चुकी है मोर देन $2 trillion और इसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी बन गई है वो बन गई है हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जो रिचेस्ट इंडियन स्टेट है इंडिया का वो है महाराष्ट्र जिसकी GDP जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इक्वल टू है नॉर्वे की इकोनॉमी के इक्वल। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की स्टेट जिसकी हाईएस्ट GDP है वो है महाराष्ट्र। और कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगी फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इज, तो उसका आंसर है मुंबई, और अगर कैपिटल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो वो है दिल्ली। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। तो इंडिया स्टेट दैट इज हाईएस्ट GDP इज महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। ये काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप इंडिया के सारे स्टेट के कैपिटल्स याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। तो देखिए जो कैपिटल है उत्तराखंड का वो है देहरादून। तो जो लार्जेस्ट सिटी है हमारी जो स्टेट उत्तराखंड की जो लार्जेस्ट सिटी है वो है देहरादून। और यहाँ पर जो आपसे अगर पूछा जाए कि जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का वो कहाँ पर सिचुएटेड है तो वो है नैनीताल में। आपको देहरादून मार्क नहीं करना, देहरादून कैपिटल सिटी है उत्तराखंड की और जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का वो लोकेटेड है नैनीताल में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो कैपिटल
कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। नेक्स्ट हम आते हैं द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। देखिए जो अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ये थिन आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये बनाती है ओनली 1% ऑफ अर्थ मास। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थिकर होती है ओशन क्रस्ट से, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की उसको बोलते हैं क्रस्ट। नेक्स्ट हम आते हैं विच बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। तो देखिए कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जब गौतम बुद्धा की डेथ हुई थी उसके तुरंत बाद। तो देखिए ये जो हुई थी काउंसिल, ये हुई थी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि अराउंड 400 BC के अराउंड हुई थी। और अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स ऑफ द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो तुरंत हुई थी जब बुद्धा की डेथ हुई थी। और ये आपको याद रखना है उस टाइम पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी बुद्धा की डेथ के बाद, और उस टाइम पे जो किंग थे वो थे अजातशत्रु, और उस टाइम पे जो वेन्यू था इस बुद्धिस्ट काउंसिल का वो था राजगृह। तो ये सारे आपको जितनी भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आपको सारी याद रखनी है। पहली जो हुई थी वो हुई थी राजगृह में, सेकंड वैशाली में, तीसरी पटालीपुत्र में, और चौथी काश्मीर में। तो ये चारों आपको वेन्यू याद रखने हैं, साथ साथ में इस टाइम पे कौन कौन से किंग थे वो भी याद रखने हैं, और उसके साथ आपको इसका पीरियड भी याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने इसको MCQs जो हमने बुद्धिज्म पे MCQs कवर किए हैं उसमें, और जो बुद्धिज्म के आपको टॉपिक पे पढ़ाए हैं उसमें सारी चीजें कवर करी है। प्लीज वो वीडियोस देखिए, आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको क्वेश्चंस पता लगेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जब ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी गौतम बुद्ध के डेथ के बाद, और ये हुई थी राजगृह में, और गौतम बुद्ध के डेथ के बाद ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट हम आते हैं द इबादत खाना वॉज अ मीटिंग हाउस बिल्ड बाय विच मुगल एम्परर। देखिए इबादत खाना जो है वो मुगल एम्परर जो ग्रेट अकबर हैं उनके द्वारा बनाया गया था, और इसमें जो है रिलीजियस असेंबली होती थी, और इसको बोला जाता था हाउस ऑफ वर्शिप। तो आपको याद रखना है हाउस ऑफ वर्शिप है इबादत खाना, और ये फतेहपुर सीकरी में लोकेटेड है। कई बार इसके लोकेशन भी पूछी जाती है कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है ये रिलीजियस असेंबली हुआ करती थी, और ये जो इबादत खाना है ये बनाया था मुगल एम्परर अकबर ने। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अकबर जो है वो सेक्युलर नेचर के थे, वो सारे रिलीजियस पे बिलीव करते थे रिलीजन्स पे, और इसलिए उन्होंने ये इबादत खाना बनाया था ताकि जो सारे रिलीजन के लोग हैं वो वहां पर बैठ के एक रिलीजियस असेंबली कर सके, एक रिलीजियस मीटिंग कर सके। तो उसके लिए इन्होंने ये इबादत खाना बनाया था। तो इबादत खाना जो है वो मीटिंग हाउस था जो कि मुगल एम्परर अकबर द ग्रेट ने बनवाया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट में आते हैं रिवॉल्विंग डोर वॉज इन्वेंटेड बाय। देखिये इन्वेंशन का क्वेश्चन है, तो ये रिवॉल्विंग डोर है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो देखिये जो रिवॉल्विंग डोर है वो इन्वेंट हुआ था 1888 में बाय थियोफिलस वैन कैनल के द्वारा, और ये आपको याद रखना है। ये इन अर्बन लेजेंड होल्ड्स दैट रिवॉल्विंग डोर्स वर इन्वेंटेड टू प्रिवेंट हॉर्सेस फ्रॉम एंटरिंग बिल्डिंग्स। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रिवॉल्विंग डोर्स जो है वो इन्वेंट किया था थियोफिलस वैन कैनल ने। और देखिए जो इन्वेंटर्स और इन्वेंशंस के क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करते जा रहे हैं, हर एक सेट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इन्वेंशंस पे। तो ये आपको नोट डाउन करते रहना है, जैसे आप साइंटिफिक नेम नोट डाउन करेंगे वैसे ही आपको इन्वेंशंस पे इन्वेंटर्स पे ये सारे नोट डाउन करते जाने हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से रिपीट हो जाए। और साथ ही में हमने एक वीडियो भी बनाया है इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स पे, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। स्टैटिक जीके की काफी वीडियोस हैं हमारे प्लेलिस्ट में, आप सारी वीडियोस कवर कीजिए, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो देखिए रिवॉल्विंग डोर जो है वो इन्वेंट किया था थियोफिलस वैन कैनल ने। नेक्स्ट हम आते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। तो देखिए जो इंस्ट्रूमेंट जो कि वर्क परफॉर्म्ड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एर्गोमीटर। तो एर्गोमीटर यूज किया जाता है, ये एक अपैरेटस है जो कि वर्क परफॉर्म को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो जितने भी जो भी आप एक्सरसाइज मशीन होती हैं उसमें ये जो अपैरेटस है वो फिट होता है, इक्विप्ड होता है, तो इसको बोलते हैं एर्गोमीटर जो कि इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्मेंस। तो ये बात आपको याद रखनी है। कई सारे इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके क्वेश्चन आते हैं, लाइक जो प्रेशर है वो किससे मेजर किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट जो कि वर्क परफॉर्म को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है वो है एर्गोमीटर। नेक्स्ट हम आते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस की जो फिजिकल क्वांटिटी है वो आपको बतानी है। तो स्ट्रेस जो है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि हर पार्ट जो ऑब्जेक्ट का होता है वो टेंशन को सब्जेक्टेड होता है। और जो SI यूनिट होती है स्ट्रेस की वो होती है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, जिसको हम पास्कल के तौर पर भी काउंट
कर सकते हैं। तो आपको दोनों तरह से याद रखनी है। एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एंड विच इज कॉल्ड द पास्कल। तो पास्कल इसकी यूनिट है, एसआई यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस की। तो आपको याद रखनी है एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेस इज पास्कल। नेक्स्ट हम आते हैं, पंचायती राज सिस्टम हैज एन इंटरमीडिएट टीयर नोन एज। तो देखिए पंचायती राज सिस्टम जो है उसमें एक तीन टीयर्स होते हैं, तो आपको उसका इंटरमीडिएट जो बीच का टीयर है वो बताना है। तो देखिए आपको बता दें कि थ्री लेवल सिस्टम्स है पंचायती राज। तो इसके जो पहला लेवल है वो है ग्राम पंचायत, जो विलेज लेवल है, ग्राम पंचायत को विलेज लेवल बोलते हैं। सेकंड जो है वो है मंडल परिषद या फिर ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक लेवल बोलते हैं। और तीसरा जो लेवल है वो है जिला परिषद, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं। तो आपसे इसमें जो पूछा गया है इंटरमीडिएट टीयर पूछा गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा पंचायत समिति। तो जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें जो इंटरमीडिएट टीयर है उसको बोलते हैं पंचायत समिति या फिर ब्लॉक समिति या फिर मंडल परिषद। तो ये जो आपको एक और चीज बता दें कि जो पंचायती राज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, और ये बात आपको याद रखनी है। इट वॉज फॉर्मलाइज इन 1992। और अगर आपसे म्यूनिसिपैलिटी से पूछा जाए कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है, तो वो है 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द सॉरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात आपको याद रखनी है, शेड्यूल्स आपको याद रखने हैं जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है, और आपके इसके लेवल्स याद रखने हैं। आपसे अगली बार पूछा जा सकता है कि कौन से जो आपका फर्स्ट लेवल है वो कौन उसको क्या बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ग्राम पंचायत जो है वो फर्स्ट लेवल है, मंडल परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायती समिति ये सेकंड लेवल है, और जिला परिषद जो है वो थर्ड लेवल है। तो अभी आपको नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में। तो ये आपको याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है पंचायत समिति इज द थर्ड सॉरी इंटरमीडिएट टीयर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। नेक्स्ट हम आते हैं, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स ऑफ गोवा इन लोकसभा इज। तो देखिए आप जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने केरला की पार्लियामेंट्री सीट्स कवर करी हैं लोकसभा में, और उससे प्रीवियस में हमने पंजाब की करी हैं। तो ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की आपको सीट्स याद रखनी है, हो सकता है आपके किसी भी सेट में पूछ ले। तो जो नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स है लोकसभा में गोवा में, तो देखिए वो है टोटल 2 पार्लियामेंट्री सीट्स है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन गोवा, और 1 है 1 राज्यसभा सीट है सॉरी गोवा में। तो आपको याद रखना है कि 2 लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो इलेक्ट होते हैं गोवा से, और 1 राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किए जाते हैं गोवा से। तो टोटल 3 जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं गोवा से। तो ये आपको याद रखना है, लोकसभा से अगर पूछा जाए तो 2 सीट्स हैं गोवा में, और अगर राज्यसभा से पूछा जाए तो 1 है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम पे राज्यसभा की आपसे पूछ ले कि राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं गोवा में। तो आपको याद रखना है 1 सीट है और लोकसभा की है 2। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा जो है, लोकसभा इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और राज्यसभा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बात आपको याद रखनी है। और कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमने पॉलिटी की वीडियोस में कंप्लीट किए हैं, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए, आपसे आपके जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो कई ज्यादा हद तक कवर हो जाएंगे, और उसमें आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे पॉलिटी सेक्शन में। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, अगर लोकसभा की सीट पूछी जाए गोवा में तो ये है 2। देखिए गोवा जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट इंडियन स्टेट भी है इंडिया का, और इसकी जो एरिया है बहुत कम है, राजस्थान सबसे लार्जेस्ट स्टेट है हमारे इंडिया का। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, एंडी मुरे इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो देखिए एंडी मुरे जो है ये खिलाड़ी हैं और ये खेलते हैं, ये टेनिस प्लेयर हैं और ये लॉन टेनिस खेलते हैं, ये स्कॉटलैंड से हैं और अभी करेंटली ये नंबर 16 पे रैंक किए गए हैं इन मेन सिंगल। तो मुरे जो है वो ग्रेट ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हैं स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में। तो जितने भी जो स्पोर्टर्स जो न्यूज़ में होते हैं स्पोर्ट पर्सन उनके बारे में आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि जिनके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो एंडी मुरे इज एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस। नेक्स्ट हम आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ चाणक्य स्टैंड। तो देखिए बुक का क्वेश्चन है, बुक एंड ऑथर का, तो चाणक्य स्टैंड जो है वो उसके बुक के कौन ऑथर हैं। तो देखिए ये हैं अश्विन संघी और ये एक डायरेक्टर है वेल नोन एम के संघी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। तो इन्होंने ये बुक ऑथर करी है चाणक्य स्टैंड। देखिए हमने जो कि बुक्स हैं उनके बारे में हम आपको क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम के लिए वो बुक्स यूजफुल हैं जो कि 2017 की बुक्स हैं, हो सकता है उनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, और प्लीज़ वो बुक्स को ज़रूर कवर कीजिए क्योंकि 2017 की जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और साथ ही में जो नेशनल लीडर हैं जिनकी बायोग्राफीज है ऑटोबायोग्राफीज हैं उनकी बुक से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आप ये बुक्स कवर करते जाइए। तो ये जो चाणक्य चांड के जो ऑथर हैं वो हैं अश्विन संघी। नेक्स्ट हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इज अ पार्ट ऑफ द एबायोटिक एनवायरमेंट।
तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि पार्ट ऑफ एबायोटिक एनवायरनमेंट में कंसिडर नहीं होती है। देखिए आपको बता दें कि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं या फिर एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो नॉन लिविंग केमिकल और फिजिकल पार्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट का, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें से जो नॉन एबायोटिक है, सॉरी एबायोटिक है, नॉन बायोटिक है, वो स्पीशीज है, वो चीज़ है प्लांट। तो देखिए प्लांट्स जो हैं वो बायोटिक एनवायरनमेंट में कैलकुलेट होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं, और बाकी सारी चीज़ें लाइक वाटर, रॉक्स, विंड, सन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट के पार्ट हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट में कंसिडर किए जाते हैं हमारे इकोसिस्टम में, और दैट कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो प्लांट है वो बायोटिक एनवायरनमेंट में कंसिडर होता है और बाकी सारी एयर, वाटर, सॉइल ये कंसिडर होते हैं एबायोटिक एनवायरनमेंट में। तो इसमें आपसे पूछा गया कि जो एबायोटिक एनवायरनमेंट में कंसिडर नहीं किए जाते तो वो हैं प्लांट्स। तो आपको याद रखना है बायोटिक एनवायरनमेंट और अबायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में। नेक्स्ट में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पेपर का, इस सेट का, विच कंपनी डेवलप्ड स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए कौन सी कंपनी है जिन्होंने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है, तो ये है एप्पल। एप्पल ने डेवलप किया है स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। स्विफ्ट जो है वो जनरल पर्पस मल्टी पैराडाइम कंपाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एप्पल के द्वारा लॉन्च करी गई है, डेवलप करी गई है फॉर iOS, macOS, watchOS, tvOS एंड लिनक्स। तो इन सब के लिए इन्होंने लाइक आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम, टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स के लिए इन्होंने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेवलप करी है एप्पल ने। तो स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो डेवलप करी है एप्पल में। तो ये थे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें जो 7th February 2017 जो शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको कवर किए हैं। होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, आपको उसका कंटेंट अच्छा लगा हो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तब हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अच्छे कंटेंट के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलेगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन क्लिक कर लेंगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा वो डायरेक्टली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके मोबाइल और लैपटॉप्स में। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी मेल आईडी दे सकते हैं, हम डायरेक्टली आपको पीडीएफ मेल कर देंगे। हमारा फेसबुक पेज है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ईमेल आईडी tutorialstudy@gmail.com, आप इसमें अपनी कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है स्टडी गाइड ट्यूटोरियल्स। ये वीडियो यूजफुल है SSC CGL CPU बैंकिंग NTPC एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस सो दैट वी कैन हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे। सो थैंक यू एवरीवन।